Radha. दिल्ली वालों ने ये एक रिकॉर्डी नहीं भेज दी इस ख्याल से कि जो सत्संग जहाँ होते हैं वो उनको मिल जाए। आज जो सदन निकले पहला तो ये सदगुरु की दया का विश्वास कर मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं तू अपनी जिंदगी का तजर्बा बता। देखो दोस्तों मैं अशांत दुखी उस वक्त तो पता नहीं था कि मैं क्यों दुखी हूं अब पता लगता है कि मैं क्यों दुखी था। दुख तो पूरा अभी ही है सच्ची बात कहता हूं मगर विश्वास है इंसान को दुख क्यों होता उसकी मन की वृत्ति जब किसी जगह लगी हुई होती है जब वो जबरदस्ती हट जाती है या कोई हटा देता है उसको किसी कारण से वो दुख महसूस होता चित्त की वृत्ति का किसी जगह टिक जाना सुख है वहां से हट जाना दुख। तो मुझको तो दाता ने दया कर दी मेरी तो राग समझ में आ गया मगर जो राग मुझको समझ आया है इस राज को अब तो दुनिया समझ नहीं सकती अगर समझ में जाए तो इस राज पर ठहरना बड़ा मुश्किल है। क्या राज मिले मुझे मिला सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता मेरी आंखें खोल मैं अपनी वृत्ति को जहां भी लगाता था वहां से तो उसका उठना लाजमी अमर था या अपने आप उठ जाती या जिसके साथ जिस ख्याल के साथ जिस रूप के साथ मैंने मन अपनी वृत्ति जोड़ी थी या वो खत्म हो जाता। होता अपना हो होता तो सारी वृत्तियों जब वृत्तियां किसी जगह नहीं लगती सिर्फ वृत्ति अपने ही रात में आग ठहर जाती है वहां शांति वहां सुख है। दुख सुख कब खत्म होगा जब हमारे अंतर की जो वृत्तियां हैं ये किसी जगह ठहरेंगी नहीं। जब तक ये किसी जगह ठहरेगी जहां तुमने ठहराया है वो या तो तुम्हारी प्रकृति तुमको वहां से खुद बहुत हटा देगी या जहां तुमने वृत्ति को लगाया है वो चीज खत्म हो जाएगी। वो चीज क्यों खत्म होती वो इस दूसरे सवाल में जवाब है। स्वामी जी
उसका अपना क्या भाव है मैं उसको नहीं जानता। किस भाव को लेकर ये वाणी रखी है किसी महात्मा ने किसी सत्पुरुष ने उसको वही जानता। मुझे नहीं, मैं जो कुछ कहता हूं वो मेरा अपना जाति तजर्बा है। मैं दुखी था, कभी राम को पूछता, कभी कृष्ण को पूछता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, कभी संसार में फंसता, तो फिर वो वहां से उत्थान हो जाता, फिर अशांति आती। इसमें वो स्वामी जी कहते हैं किसको, जो सुख दायमी चाहता। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, जो वह बुढ़िया तैनु दायमी सुख मिल गया, मैं झूठ नहीं बोलता, इस संसार के अंदर प्राण अन्नमय को, प्राणमय को, मनोमय को, विज्ञानमय को, आनंदमय को में दायमी सुख नहीं है। ये मैं अपना अनुभव करता हूं, क्योंकि मुझको इन अन्नमय कोष में, प्राणमय कोष में, मनोमय कोष में, ज्ञानमय कोष में, आनंदमय कोष में दायमी सुख नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। अभ्यासी हूं, संसार में गृहस्थी की तरह विचरता हूं। मैं अब महसूस करता हूं कि संतों ने वाणी को रोचक बनाया, यथारस नहीं कहा, क्योंकि अगर यथारस कह दिया जाए तो जीव तरगत छोड़ देते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, वो निराशा हो जाते हैं। तो रोचकपने में एक किस्म की आकर्षण शक्ति रहती है और जीव कोशिश करते रहते हैं। यही वाणी जो तुमने पढ़ी है, पांच तेज का, पांच स्थानों का जिक्र है, पांच नामों का जिक्र समझ लो, पांच कोशों का जिक्र समझ लो, पांच तत्वों का जिक्र समझ लो। मैंने उम्र खो दी सारी इन दर्दों से गुजरने में, गुजरा हूं, अब इन दर्दों की मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। मेरे लिए ये जितने संस्करण कवल त्रिकुटी सुन महासुन पवन गोपाल वगैरह हैं, ये एक खाब की हालत आ गई, सपना है। मगर जीवों दूसरों को तो ये सपना महसूस नहीं होता। जब तक वो इनका तजर्बा न कर लेंगे, खुद इसमें फंस कर इसका अनुभव करके उनको खुद, मुझे तो तजर्बा हो गया, मैंने तो अनुभव कर लिया कि असलियत क्या है। तो असलियत क्या है, वो कहते हैं किस स्वरूप को कहते हैं, जो सुख और दायमी शांति का उसके लिए भी होती, उनके लिए उपदेश नहीं जो मजहबों और पंथों में फंसे हुए हैं।
पंथ के किसी मजहब के टेकी हैं उनके लिए उपदेश नहीं, बल्कि ये उनके लिए भी उपदेश नहीं है जो राधा स्वामी मत की पंथ की टेक में आए हुए हैं। ये कई राधा स्वामी मत के आदमी पांच नामों की टेक में आए हुए हैं, पांच नाम के सिवा अगर उनको कोई दूसरा नाम बताया जाए, कोई और बात कही जाए, वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको टेक आ गई है। राधा स्वामी मत में सिर्फ टेक सतगुरु की है, फकीर चंद की टेक नहीं, हजूर सांवरे शाह की टेक नहीं, महर्षि जी की टेक नहीं, बल्कि सतगुरु की टेक है। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्चाई की टेक जिसमें नहीं है। सच्चाई क्या है उस पर मैंने कल सत्संग दिया था आपको, तो मैं सच्चाई देखता रहा। तो वो कहते हैं ऐ सूरज, मैं तुमको पहले दर्जे की, पहली अवस्था की, यानी अन्नमय कोष की या शंकर कमल की बात बताता हूं, पढ़ो। तुलरी सकी तो भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। गुरु मत को बिल्कुल राधा स्वामी मत वालों ने या दूसरों ने बिल्कुल नहीं समझा। वो देखो क्या कह रहे हैं, गुरु तो सिर्फ भेद देता है, भेद राज देता है, दुनिया राज को तो लेती नहीं, गुरु को ही दफा मारती है। क्या जीवों का कसूर है? मैं नहीं, जीवों का कोई कसूर, मैं भी जीव रहा हूं और अब भी जीव होता रहता हूं। ये मन एक ऐसी चीज है जिसको समझना, जानना और इससे निकलना एक महान कठिन काम है। मैं इतना ऊंचा चढ़ जाने के बाद भी जब सतगुरु को भूल जाता हूं तो ये जो मेरा ही मन है ये मुझे ऐसा मार मारता है, कुछ देर के बाद फिर मुझे होश आती है कि मैं गलती खा रहा हूं। बात मेरी बड़ी ऊंची है, ये अमरी जीवन का सबक बता रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ। तो जब तक किसी को भेद नहीं मिलता, राज नहीं मिलता, वो समझ नहीं मिलती, लाख कोई कोशिश करे कि उसको शांति मिले, नहीं मिलता। तो वो पहली स्टेज का जिक्र करते हैं, भेद देते हैं। क्या भेद देते हैं, पढ़ो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बात लखाऊं। वो कहते हैं तेरी शांति का कारण क्या है, ऐ सूरत तेरी शांति, जीव तेरी शांति का कारण क्या है,
कि तेरे मन के अंदर से जो अनेक किस्म के ख्यालात उठते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं, तू उनमें फंसा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इस विचारों को कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है? मजहब को छोड़ दो, मौजूदा विज्ञान को लो। बच्चा जब माँ के पेट में होता है क्या उसके अंदर उसके मन के ख्यालात होते हैं? संकल्प करता है? अगर करता होता तो जब वो पैदा होता है उसको उस पेट में रहने के वक्त में जो उसकी हालत या ख्याल होते हैं उनका उसको कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए था, नहीं होता। पेट में जब बच्चा आता है उस वक्त उसका मन बनता है, जब उसका शरीर बन जाता है उसके अंतर में उसकी प्राण शक्ति होती है जो सूर्य की किरण से आती है। तो जब इंसान अपने अंतर में चलता है उसके अंतर में इस काया के धारण करने की वजह से ख्यालात पैदा होते हैं, ख्यालात उठते हैं। और वो ख्यालात को कौन उठाता है? उसकी जो ज्योति स्वरूप खुद उसका अपना मन है वो जब इसमें आता है तब ये विचार पैदा होते हैं। तो संसार को पैदा करने वाला कौन है? ज्योति स्वरूप, जिसको निरंजन कहते हैं। अगर तुम ज्योति स्वरूप न भी कहो तो ये तो मानना पड़ता है कि वो नूर है। जिस नूर से ये विराट असूल मादा सारा पैदा होता है। पढ़ो अगली कड़ी को क्या कहते हैं। करता तीन लोक ये ठाऊं, वेद चार इन रचे जनाऊं। क्योंकि इसके अंतर से त्रिलोकी बनती है, जागृत स्वप्न और सुष्पति बनती है। जागृत में भी विचार काम करते हैं, स्वप्न में भी विचार काम करते हैं, सुष्पति में विचार इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो हमारा मन है, एक तो विराट ये बाहर का है, एक विराट हमारे अंतर का है। बाहर के विराट का अंतर के विराट को अपने के समझने से बाहर के विराट का अनुमान लगाता है आदमी। जिस तरह से ऋषियों ने इन तमाम सियारों की गर्दिशों का जिक्र किया, अपने अंतर में ही बैठ के किया ना, इन लोकों में जाकर तो जाके इन्होंने नहीं किया। हमारे जिस्म का ताल्लुक बाहर के लोग के साथ है। तो जब हम हमारी वृत्ति हमारे अंतर में इकट्ठी हो जाती है, अगर वो गहरी हो जाए तो हम बाहर के लोगों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंतर से मन की फुरना से तीन चीजें पैदा होती हैं। एक फुरना पैदा होती है,
वो फुरना फिर कुछ समय तक रहती है, फिर वो फुरना नाट हो जाती है। तो इस तीन ताकतों का नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश रखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का ताल्लुक इस विराट पुरुष के साथ है जो रचना करता है, विष्णु पालता है, यही योग वशिष्ठ करता है। सारा योग वशिष्ठ सिर्फ इस संकल्प की दुनिया का एक मुकम्मल नमूना है। तो स्वामी जी कहते हैं पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इनके हैं ये तीनों। पुत्र पिता से ही पैदा होता है ना, इस वास्ते इनको उस ज्योति स्वरूप जो है उसका पुत्र कहा गया है। ये तीनों ही हर वक्त हमारे जिस्म के अंतर यानी मन इच्छा और संकल्प उठता रहता है, उसमें खेल खेलते हैं, फिर वो संकल्प नाश हो जाता है। यही रचना हमारी 24 घंटे चलती है। तो जो आदमी अपने संकल्प के अंतर उसकी उत्पत्ति अवस्था यानी ब्रह्मापने में, उसके ठहराव अवस्था यानी विष्णुपने में, उसकी नाश अवस्था यानी शिवपने में हमेशा रहेगा, वो उस शांति को तस्कीन को कभी पा नहीं सकता। तुम खुद देखो, बैठते हो, संकल्प उठते रहते हैं, उन संकल्पों में तुम आनंद भी लेते हो और जब वो टूट जाते हैं तो दुखी भी होते हो। इस वास्ते जो शख्स ब्रह्मा विष्णु और महेश के पुजारी हैं, इस ब्रह्मा के, वो ब्रह्मा जो तुम्हारे मन के अंतर में संकल्प उठाता रहता, कौन विष्णु जो उस संकल्प की दृढ़ता को कायम रखता है, कौन शिव जो उसकी नाश होने की शक्ति है उसको। जब तक इंसान इस मन के चक्कर में यानी उत्पत्ति अस्पति और प्रलय के भावों में फंसा हुआ है, वो शांति को हासिल नहीं कर सकता। हिंदू कौम ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजती और पूजना चाहिए भी। पूजने के मैंने हैं किसी चीज से ताल्लुक पैदा करना, उसकी इज्जत करना। तो इस संसार के, इस हमारी रचना के सिलसिले में अगर कोई शख्स अपने संकल्प के साथ दृढ़ता नहीं रखता, वो इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। उसकी दुनियावी जिंदगी कभी बन नहीं सकती संसार के व्यवहार की। इसलिए ऋषियों ने इनकी पूजा का भी रवाज रखा है, क्योंकि संसार सारा तो इस मन के चक्कर से निकलना नहीं चाहता, वो तो मन के चक्कर में दुनिया की बेहतरी चाहता है। तो तुम्हारे इस जीवन की, शारीरिक जीवन या मानसिक जीवन की बेहतरी करने वाला तुम्हारा संकल्प है। इस संकल्प में तीन ताकतें हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। तो इस जीवन में रहते हुए जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करता, उसका ये जीवन जो है इस जिस्म का, ये कभी सुखी नहीं रह सकता। जहां ये खंडन है
वो दायमी सुख के लिए है, अपने निज घर जाने के सुख के लिए है, दायमी सुख के लिए है। और यही बात हिंदू कौम भी कहती है, शास्त्री भी कहते हैं कि इस त्रिगुणात्मक जगत में दायमी सुख नहीं। देखो मेरा भी तर्ज़े बयान है, मैं न खंडन करता हूं और न मंडन करता हूं। अपनी अपनी जगह पर हर चीज की जरूरत है। राधा स्वामी मत का ताल्लुक केवल निर्वाण से, मोक्ष से या अपने घर जाने से है। ये आजकल के राधा स्वामी अगर अपनी बेवकूफी से गलत खंडन करके दूसरों का दिल दुखाते हैं, क्या ये खुद जब ये खंडन करते हैं इस चक्कर से निकले हुए हैं? ये खुद फंसे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। जब तक इंसान इस जीवन में तुम्हारा अगर कोई मददगार है इस शरीर के अंदर, तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ही है। यानी उत्पत्ति की ताकत, पालने की ताकत, नाश करने की ताकत, इन तीनों के बगैर हमारा ये जिस्म नहीं चल सकता। मगर इस जिस्म में इन खेलों में रहते हुए हम दुख और सुख से बच नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद इन दुखों से नहीं बच सके। तुम हिस्ट्रियों को पढ़ो, मैं रेडियो पर सुना करता हूं, भोला भंडारी रे भोला भंडारी, ऐसे शब्द गाते हैं ना, भोला भंडारी रे भोला भंडारी। किसी राक्षस का नाम लेते हैं, याद नहीं, उसने तप किया, शिव जी ने बल दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो खत्म हो जाएगा। अब वो जो राक्षस था उसने शिव जी के सिर पर ही हाथ रखने की कोशिश की कि ये मर जाए तो पार्वती को संभाल लूं। तो वो दुख का डरता हुआ भागा फिरता था शिव जी, ये लिखा हुआ है किताबों में। इस प्यारे के रूप में हिंदू शास्त्रों ने कहानियों के रूप में हमको ज्ञान दिया है। तो फिर अब वो तड़पा शिव जी, अब विष्णु महाराज आए, उन्होंने मोहिनी रूप फर्जी पार्वती का रूप धारण कर शामिल होगी। तो वो कहती है मैं तुम्हारी हो जाऊंगी अगर तू अपने सिर पर हाथ रख के नाच दिखाए मुझे। तो जब उसने सिर पर रख के हाथ नाचा वो खुद पसंद हो गया। तो ये सबूत है हिंदू कौम की फिलॉसफी का। मगर अफसोस ये है कि जो फिलॉसफी हिंदू कौम ने बयान की, तर्जे बयान जो था, वो उस वक्त के लिए मौजूद था तर्जे बयान जब इंसानों की बुद्धियां इतनी सूक्ष्म नहीं थीं। अब बुद्धि तत्व बढ़ गया है, ये बुद्धा अवतार का जमाना है, बुद्धा अवतार का। राम अवतार गया, कच्छ गया, मत्स्य गया, वरा गया, नृसिंह गया, राम गया, कृष्ण गया, अब बुद्धा अवतार कर। जब तक बुद्धि को अब तुम साथ नहीं लोगे
बात को समझने की कोशिश नहीं करोगे, इस कलयुग में बुद्ध अवतार के वक्त में तुमको शांति नहीं मिलेगी। मैं हिंदू फिलॉसफी को मानता हूं, साथ ही राधा स्वामी मत को भी जानता हूं, संतों के मार्ग को भी जानता हूं। तो इस संसार में रहते हुए मैंने सबूत दे दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी खुद भी इस चक्कर से नहीं निकल सकते। तो स्वामी जी ने ठीक कहा है, पढ़ो क्या है। बैराट रजाइन मिल के जीवन घेर लियाइन पिल के। हमारी जो सूरत जिस्म में आई थी, इस ज्योति स्वरूप निरंजन ने, जिसके किरणों से ये सारा विराट पुरुष बना हुआ है, इस विराट पुरुष में क्या क्या है, सूर्य चांद सितारे जितने नौ ग्रह हैं, ये सब विराट पुरुष में आए हुए हैं। विराट पुरुष की दूसरा नाम है नौ ग्रहों की मजमूई हालत। विराट पुरुष का दूसरी तिथि ये है कि नौ ग्रहों की मजमूई हालत का जो कर्म है, उस तमाम कर्म का नाम विराट पुरुष है। ज्योतिष भी यही कहता है कि ईश्वर ने दुनिया को पैदा करने वाले ने अपने आप को नौ हिस्सों में बांट दिया, नौ ग्रहों में बांट दिया। ये ज्योतिष कहता, इन ज्योतिष के ग्रहों का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे जैसे ग्रह की किरणें हर एक आदमी के, हर एक वनस्पति के, हर एक जान के पैदाइश में काम करती हैं, जिस जिस किस्म की, जैसी जैसी किरणें जिस जिस ग्रह की इंसान के वजूद पर आई हुई हैं, उसके मुताबिक उसकी जिस्मानी जिंदगी का गुजरना मजबूरी है। कोई ताकत इसको भगा नहीं सकती। इस वास्ते मैं कहा करता हूं, कोई संत किसी के कर्म को नहीं बदल सकता, कोई महात्मा किसी के कर्म को नहीं बदल सकता, क्योंकि कर्म को बनाने वाली ये ग्रह हैं। अगर कोई बदल सकता है तो यही बदल सकता है कि अपनी सूरत को इस विराट पुरुष से निकाल के, नौ ग्रहों के असर से निकाल के ऊपर चला जाए। जिस्म को तो जो तकलीफ होनी है वो होनी, बैराट रजाइन मिल के जीवन घेर लियाइन मिल के। ये शरीर के रखने वाला ज्योति निरंजन है, जिसके तीन पुत्र कहे गए हैं। मन ज्योति निरंजन है, उसके अंदर संकल्पों का उठना ठहरना और नाश हो जाना, ये तीन देवता हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये रचा है और जीव बेचारे हम हैं, इसमें दुख और सुख क्या नहीं उठा रहे। मन के फैलाव की वजह से देखो ना क्या कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है,
सब का कारण क्या है? ये नौ ग्रह ब्रह्मा विष्णु और महेश। अगर इस मन को किसी सतपुरुष के चरणों में डाल दिया जाए और उसके हुक्म की तामील की जाए, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश और नौ ग्रहों के असरास हैं, इसमें बहुत कुछ कमी होगी। मगर ये कोई करता नहीं। कभी तो मैं कहा करता हूं, अनुभव है, दावा कोई नहीं। जब तक ये भारतवासी संतों की शरण में नहीं आएंगे, हुकूमत के अंतर जब तक संत मत नहीं आएगा, मुल्क के अंतर मुल्की शांति, घरों के अंतर रेलू शांति, समाज के अंदर सामाजिक शांति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मैंने जितना काम किया है मानता हूं। ये संत मत की तारीफ के समझने वाले दुनिया में आ जाए और ये हुकूमत में आ जाए, शायद इस विराट पुरुष में जो दुख सुख हमको उठाना पड़ता है, इसमें कुछ कमी आ जाए। बिल्कुल बरियत तो सब संत आ जाए हुकूमत पर, फिर भी नहीं आ सकती, क्योंकि बिल्कुल इसके दुख का छुटकारा तो इस चंद्र कमल या क्षेत्राकार या विराट की रचना से निकल जाने से होगा। आगे जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव संहारी। स्वामी जी कहते हैं क्योंकि ये निवृत्ति मार्ग है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। मगर बात मैं सच्ची कह रहा हूं, जीवों की दशा को देखकर संतों को कह दिया दर्द भरी। मगर जो जीवों की अपनी दशा थी वो इनके साथ नहीं गुजरी, संतों के साथ। अगर गुजरती तो ये न कहते। हमारी जिंदगी की जरूरियात इस कदर हैं कि हम जिंदगी के जरूरियात के लिए इसमें फंसने के लिए विवश हैं। स्वामी जी सेठ के घर में पैदा हुए, सेवा करने वाले राय साहब जैसे बड़े बड़े महापुरुष, तनकी को कमी नहीं थी, अपने आगे कोई औलाद नहीं थी, भाई था वो सेवक था, उनको इस दुनिया के दुखों का क्या पता। क्या कहता हूं अब, बाबा चरण सिंह है, किसी बात की कमी नहीं, ये क्या जान सकता है कि गरीब आदमी जिसके घर में रोटी नहीं है उसके दिल की हालत क्या है? क्या है बताओ? इसलिए ये तालीम सिर्फ उनके लिए है जो इस संसार से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं। ओ, एक मेरे पास आया कहता है, क्या है कबीर पंथी साधु निरंजन दास की क्या नाम है? निरंजन है। घर नहीं, बार नहीं, दरबदर ठोकरे खाता फिरता, क्या उसको शांति मिली?
ये गलत है, इसलिए मेरा मार्ग है। मुझे दाता ने कहा था तालीम बदल जाना फकीर, मेरा मार्ग है सबसे पहले इस ज्योति स्वरूप को अपना साथी बनाओ। स्वामी जी तो कह गए इनको छोड़ जाओ, जिस ख्याल से उन्होंने कहा वो मुबारक है, मगर जब तक तुम इस शरीर में हो इसकी मदद के बगैर तो तुम कुछ कर नहीं सकते। क्या कहा दाता ने कहा था फकीर जमाना बदल जाएगा, छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मुझे नहीं पता क्या मैंने तालीम बदलनी है, मैं वो तालीम दिया जा रहा हूं जिससे कि जीव लोक और परलोक दोनों में सुखी रह सके। लोक और परलोक दोनों में सुखी रह सके। तो लोक को सुख करने के लिए क्या है, आगे पढ़ो स्वामी जी की बात। फंसे जाल में पटे कर्म में धोखा खाया पड़े भरम में। उस मंत्र तक जाने के लिए बेशक धोखा खाया, अपने परम शांति हमेशा के हासिल करने के लिए उन्होंने जरूर धोखा खाया, क्योंकि वो सारी जिंदगी इस शिव जी को ब्रह्मा को विष्णु को ही पूजते रहे, यानी अपने ख्याल की दुनिया में ही हमेशा फंसे रहे, इस ख्याल से धोखा खाया। मगर इस संसार में रहते हुए इस दुनिया की उन्नति करने के लिए क्या करना चाहिए, आगे पढ़ो। अब जो इनको कोई समझावे सात पुरुष का भेद लखावे तो नहीं माने झगड़ा ठाने पक पात कर डिंग नहीं आवे। इनका खंडन तो सिर्फ इस ख्याल से था कि दायमी जिंदगी सतलोक की जो है वो मिल जाए, वहां तक तो ये ठीक है, मगर इस दुनिया में रहते हुए इस ज्योति निरंजन का जो स्थान है, जो विराट पुरुष को बनाता है, हमारे शरीर को बनाता है, उसको सुखी रखने के लिए क्या करना है, आगे करो। जाते मैं तो को समझाऊं ये सब ठग खुल कर जतलाऊं। ठग इसलिए हैं कि हमको असलियत का पता नहीं लगता। मैं खुद इस ठगी में फंसा हुआ था, ये तो मुझे पता लगा सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मैं भी तुम्हें रूपों के पीछे ठगा जा रहा था, कभी राम प्रगट हो गया, कभी कृष्ण प्रगट हो गया, कभी देवी आ गई, कभी बगाता जार का रूप आ गया, ये जितने खेल थे मेरे मैं इनको सत मानता था और इसी में फंसा हुआ था, मगर इसके सत मानने से मुझको दुनिया का बड़ा फायदा था। कैसे, लोगों के अंदर इस सत से इस विश्वास से उनका ही जो मन है ज्योति निरंजन
वो मुझको बना लेता है, वो रूप मेरा उनको दवाइयां बता देता है, सपने में प्रसाद दे जाता है, बीमार राजी हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? उनसे फायदा भी है। ठग वो सिर्फ इसलिए हैं कि इंसान को उस दायमी जिंदगी जो है, जहां से फिर ये झगड़ा हमारा खत्म हो जाए, यहां नहीं जाने देते। तो मुझको अब ज्ञान हो गया, मैं दोनों तरफ इसको ले जाता हूं मन को। अगर चाहता हूं तो इनको छोड़ के ऊपर चला जाता हूं, और अगर दुनिया के मैंने काम करने हैं तो रूप का सहारा लेता हूं, जो कुछ चाहता रहता हूं वो मिलता रहता है। मैं स्वामी जी ने सिर्फ उस आदर्श को सामने रखते हुए इनका खंडन कर लिया। मैं लोक और परलोक दोनों की जिंदगी को सामने रखता हुआ, जिसने खंडन की जरूरत है उतना खंडन किया जाता हूं, जिसने मंडन की जरूरत है उतना मंडन किया जाता है। ऐ इंसान, अगर तू अपनी इस जीवन की यात्रा को, इस लोक को अच्छा बनाना चाहता है तो क्या कर, आगे पढ़। इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की शरण समाए, सतगुर कहे सोई तुम मानो, इनका वचन ना कर पर मानो। स्वामी जी के संसदीय वक्त होने का समा चला गया, कबीर के संसदीय वक्त होने का समा चला गया, गुरु नानक के संसद गुरु वक्त होने का समय चला गया। राधा स्वामी मत कहता है, सुबाए जिंदा सदगुरु संसद गुरु वक्त के तुम्हारा काज नहीं होगा। हम पुरानी लकीर को पीटते हैं, गाता जाल संसद गुरु वक्त। राधा स्वामी धाम में पिपल मंडी और आगरे के 40-50 सत्संगी पंडारे के मौके पर गए, वहां हजूर महाराज की वाणी का जो गाता जाल के गुरु से पाठ हो रहा था, आप चारपाई पर लेते हुए से पाठ हो रहा था, जब वाणी आधी पड़ी थी उठ के बैठ गए गाता जाल, कहते हैं बंद करो इस वाणी को, ये मुर्गा है। अब पिपल मंडी के सत्संगी जो हजूर महाराज के पुत्रों के इनिशिएटिव हुए हुए थे और स्वामी बाग के सत्संगी, ये बड़े हैरान हुए कि अपने ही गुरु की वाणी को अधूरा कह रहा है, कह रहे हैं। उस वक्त दाता ने उठ के कहा, ये वाणी उस वक्त के लिए है, उसका अर्थ ये नहीं है, ये है। उन्हें उसी वाणी का अर्थ दूसरा किया। यही बात वक्त के लिहाज से गुरु गोविंद सिंह ने कही। वो कहीं जा रहे थे, दादू पंक्तियों का अखाड़ा था, वो समझ पड़ रहे थे, दावा दादू दावा दूर कर, बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गई पन साड़ी दे हट। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जा रहे थे, उन्होंने सब सुना। वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है। क्या क्या मतलब क्या है? दादू दावा आज का बेदावा कैसा,
दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर लिया था। समझ रहे हो मेरी बात को मैंने क्या कहा? इस वास्ते ये मिसाल मैंने दाता दाल की गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह क्यों दी, ताकि जिस किसी को मेरी इस तर्ज बयान पर सब की वजह से नुकता चीनी करने का प्यार आए, उनके दिमाग को और मुंह को बंद करने के लिए मैंने ये हवाले दिए हैं। वक्त का ज्ञान की जरूरत है। तमाम संसार तो निवृत्ति मार्ग का पैरावकार नहीं है। सदगुरु तो रक्षक तमाम जीवों का है, इसलिए सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं कि इस जीव में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए सत्संग करके बात को समझो। संसार का व्यवहार जब तक तुमने करना है तब तक ज्योति स्वरूप की मदद लो। बिना ज्योति स्वरूप के मदद के लिए हुए तुम्हारा ये विराट का जो देश है ये सुखदायी नहीं रह सकता। गो ये मैं कहता हूं कि यहाँ हमेशा सुख नहीं है, मगर जब तक हम जिंदगी में हैं हमको जिंदगी के सुख की जरूरत है। तो उस जिंदगी के सुख को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? आगे पढ़ो। रार काना देव दर ताई पता भेद अब कहूं जनाई मन और सूरत जमाओ दिल पर घेर घुमर घट आओ पिल कर। वो कहते हैं रास्ता बता देता हूँ, मन और सुर को इकट्ठा करके यहाँ इकट्ठा करो, सिमरन करो, ताकि तुम्हारा ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो जाए। आगे। मेरे को खिड़की देखो चौका चित लगाओ राखो रोका बजरंगी पुलवारी निरखो दीप दान घट भीतर पर को। वो जो ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंदर ज्योति जलती है उसमें से पांच रंग निकलते हैं। वो पांच रंग क्या है? ये पांच तत्व से सृष्टि बनती है ना। हर एक तत्व का अपना अपना अलग अलग रंग है। आगे। कोई दिन ऐसी लीला देखो नील चकर आगे देखो मेरा प्रेम बलता को फोड़ो ज्योत निहारो मन को मोड़ो। ये ज्योति स्वरूप, यही ज्योति स्वरूप गजत्री का मंत्र है। भूर भुवा स्वाह तत् सवितुर, ये वो सावित्री है। इससे क्या होगा? जो आदमी इस पहली स्टेज पर अभ्यास करते हैं उनकी वासनाएं पूरी होती हैं, सिद्धि शक्ति आ जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो शख्स भी ज्योति स्वरूप में बैठकर ध्यान करता है उसकी वासना के मुताबिक
उसकी मदद होती रहती है। समझते हो कि नहीं? संसार की उन्नति का मूल कारण ये ज्योति स्वरूप है। ऊपर में भी ज्योति स्वरूप का एक भंडार है, जिसमें से किरणें निकल के सूरज चांद ये विराट पुरुष को बनाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तुम्हारे अंदर भी ज्योति स्वरूप है, जिसके अंदर से तुम्हारा मन बनता है, संकल्प बनते हैं। तो अगर तुम इस लोक में सुख जाना चाहते हो, तो ये जिस चीज की तुमको संसार में आशाएं हैं, उन आशाओं को अपने अंतर रख के तुम ये साधन किया करो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी में तुम कामयाब हो जाओगे। जो इसमें साधन करते हैं ज्योति स्वरूप में, अगर वो इस साधन को करने वाला अपनी आस रखे कि दूसरे का दुख दूर हो जाए, जितनी उसकी साधना ज्यादा है उससे उसको फल मिल सकता है। इसका नाम है प्रसाद देना। प्रसाद के मायने क्या है? शुभ भावनाएं देनी। प्रसाद प्रसन्नता से निकला है, प्रसन्न लफ्ज से निकला है। तो जो पिछले जमाने में ब्राह्मण या आजकल के साधु इस मुकाम पर अभ्यास करते थे, वो अपनी कुबत के ख्याल से, अपने चित से दूसरों को, दूसरों का भी भला कर सकते थे। मगर जिनको इस मंजिल से, इस चक्कर से हमेशा के निकलने की ख्वाहिश है कि मैं फिर ना आऊं, ये शरीर जो दुख का कारण बना हुआ है, क्योंकि ये काल है ना, इसने दुनिया को बनाया है, जिनको ये ख्याल आ जाता है मेरे व्यक्तियों को, उनके लिए फिर इससे अगली मंजिल है। अगली कड़ी है तो पढ़ो। अनहद घंटा सुन सुनरी जो शंख बजाओ रस में भी जो। मैंने कई अपनी किताबों में लिखा है, 1962 के अक्टूबर में प्राण बनी में, कि जो आदमी इस मुकाम पर ये घंटा शंख क्यों बजते हैं, तुम्हारी मन की वासनाएं संसार की जो हैं, इच्छाएं जो हैं, जब ये इकट्ठी होती हैं अपने अंतर में, जिस तरह मुख्तलिफ धातुओं को इकट्ठा करके हम घड़ियाल बना लेते हैं, उस पर ठोकर मारने से घड़ियाल की आवाज होती है, हमारे मन की एकाग्रता जो है, तमाम वासनाओं को लेके हम एकाग्र होते हैं ना, तो उसमें से घंटे और शंख की आवाज आती है। यही घंटे और शंख की आवाज का रवाज आरतियों में है। मंदिरों में जाओ, घड़ियाल बजते हैं और शंख हो जाते हैं। है वो हमारे अंतर का हाल। अब अंतर में तो कोई ज्योति नहीं दिखा सकता, अंतर में कोई घंटा नहीं सुन सकता, अंतर में कोई शंख नहीं सुन सकता, उसकी जीव अंतर्मुखी तो है नहीं, उन्होंने बाहर मुखी ये वसीला अख्तियार कर लिया कि जब पूजा करते हैं ज्योति जलाते हैं, ज्योत जला करके दर्शन करते हैं और फिर घड़ियाल बजाते हैं और फिर आरती करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाओ टन लगा होता है, खड़ा ज्योति जलाते हैं कि शिव जी का मंदिर में घंटा होता है, विष्णु महाराज के जगह जाओ, मंदिर में जाओ, वहाँ शंख की धूम होती है। ये है पहली स्टेज। आगे ये पहला स्थान बताया राधा स्वामी वरण
स्वामी जी का क्या भाव था कहने का मुझे पता नहीं। जो मेरा भाव है वो मैं कहेगा, मेरा भाव क्या है, जीव सुखी रहें, जीवों को लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति मिले। तो परलोक के सुख के लिए तो तुमको ये मंजिलें आगे जानी पड़ेंगी, दायमी जिंदगी हासिल करने के लिए। इस जीवन में तुम्हारा लोक सिर्फ ज्योति निरंजन के दर्शन करने, अपने अंतर घंटा और संघ को सुनने से इस लोक में तुम्हारा कल्याण होगा। सबको राजा स्वामी बाकी आगे लेकिन कभी मैं अपनी वाणी अंशों के लिए, योगियों के लिए, साधुओं के लिए जाकर कहिए। मेरा कलाम है सिर्फ समझदार आदमी। मैं खुद सोचता हूँ वक्त कहने आई चीज बारे में और सच्चा मत जो भी नहीं होता।